शर। सो गाइस, इस पार्ट के अंदर हम शुरू करने वाले हैं फेमा का क्वेश्चन ईयर, और फेमा के क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ईयर के अंदर इस पार्ट में हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा के क्वेश्चंस ले रहे हैं, साथ साथ में हम क्वेश्चंस ले रहे हैं फेमा के डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन ईयर सॉल्व करते वक्त आपने ये चीज को याद रखना है, क्वेश्चन ईयर में भी मैंने बेसिकली देखा जाए तो सभी क्वेश्चन कवर किए हैं। नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि नवंबर 19 के भी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, तो थोड़ा सा आपने कंटेंट वाइज देखना नाम क्या है एक्सेट्रा। ये बहुत रेयर केस में होगा, हर केस में होना यह जरूरी नहीं है। ठीक है, साथ में क्वेश्चन ईयर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस इंस्टीट्यूट ने पूछे है, तो ऐसे सवाल अगर आते हैं तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे इसका भी हम थोड़ा सा ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, चल अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन ईयर में सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है मिस्टर ऋतिक वाला। ठीक है, हम इसको एक बार जरा देखते हैं। पहला सवाल है, मिस्टर ऋतिक पीआरआई इज डीलिंग इन द फॉलोइंग, डिपॉजिट विद मिस कंगना, ठीक है, पीआरआई टू क्रेडिट फ्रॉम स्विस बैंक $2 लाख। ये हालांकि एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा जहां पे भी एक्स्ट्रा लिखा है वो क्वेश्चन मैंने बनाया है, मतलब जिस चीज के ऊपर नॉर्मल सवाल नहीं है उसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत सवाल बनाने की कोशिश की है, हर चीज के ऊपर नहीं है बट जहां जरूरी लगता है वहां किया है। सो डिपॉजिट विद मिस कंगना PRY $30,000, मिस्टर ऋतिक ने लेके रखा है, मिस्टर ऋतिक और कंगना याद है, टुक अ क्रेडिट फ्रॉम स्विस बैंक $2 लाख, क्रेडिट लिया है स्विस बैंक से, ट्रेवलर्स कार्ड बैलेंस है इसके पास ₹2 लाख रुपीज का, ट्रेवलर्स कार्ड का बैलेंस ₹2 लाख का बोला है, रुपीज बोला है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय मिस सुजान PRY ऑफ $1 लाख, एडवाइस द स्टेटस ऑफ द अबव थिंग्स वेदर फॉरन एक्सचेंज और नॉट। ऊपर की चीजों को फॉरन एक्सचेंज बोला जाएगा या नहीं, अभी मैंने ड्राफ्ट किया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रिकी सवाल होगा ही होगा और आपको बहुत दिल से याद रखना है। पहले तो फॉरन एक्सचेंज का डेफिनेशन याद करो, 2 सबसेक्शन N। अब आपने लिखते हो कैसे लिखना है, प्रोविजन के अंदर सेक्शन नंबर 2N ऑफ फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरन एक्सचेंज मींस अ फॉरन करेंसी एंड इंक्लूड्स, पूरी फॉरन एक्सचेंज की डेफिनेशन आपको याद ही होगी, दैट इज डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेएबल ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिनोमिनेटेड इन द फॉरन करेंसी बट पेएबल इन द इंडियन करेंसी, बट ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन आउटसाइड इंडिया बट पेएबल इन इंडियन करेंसी। ये तो आपने शायद देखा ही होगा, बोलो हाँ या ना। तो अब इस सिचुएशन में हम सबसे पहले ऋतिक, वेदर अ ऋतिक इज PRI और PRY डज अफेक्ट द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज द स्टेटस। अब यहां थोड़ा सा कलर फेंट है क्वेश्चनर का, पड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल आपके पास जब प्रिंट आ जाएगा क्वेश्चनर का तो उसमें काफी डार्क कलर है तो आप आराम से उसको देख सकते हो। ठीक है, पर आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये फेंट ही दिखेगा, आप इसको कुछ कर नहीं सकते बिकॉज टू कलर अगर हमको देना है तो ऐसे सिचुएशन में बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो वेरी सॉरी फॉर दिस। वेदर मिस्टर ऋतिक इज अ PRY PRI डज नॉट अफेक्ट द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, मिस्टर ऋतिक PRI PRY है इससे डेफिनेशन के ऊपर असर नहीं होता। अब हम आंसर देके देखते हैं, डिपॉजिट विद मिस कंगना PRY $30,000 का डिपॉजिट है, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है? ऑफ कोर्स डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेएबल इन फॉरेन करेंसी इज अ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये है। क्रेडिट फ्रॉम द स्विस बैंक $2 लाख का क्रेडिट है स्विस बैंक में, डिपॉजिट क्रेडिट बोला है तो $2 लाख का भी फॉरेन एक्सचेंज है। हैविंग ट्रैवलर्स कार्ड बैलेंस ₹2 लाख का ट्रैवलर्स कार्ड बैलेंस है, अब मुझे एक बार बताओ ₹2 लाख का अगर ट्रैवलर कार्ड बैलेंस है क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है? बोलिए थोड़ा, ये फॉरेन एक्सचेंज कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि ये कई सारे कंट्रीज में आप अलग अलग फॉरेन करेंसी में विड्रॉ करोगे, फिलहाल इसका वैल्यू ₹2 लाख है, पर जब आप ये बाहर ट्रेवलर्स कार्ड लेके जाओगे तो किसी भी तो फॉरेन करेंसी में आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो और नाम ही ट्रेवलर्स कार्ड है, इट इज एज गुड एज ट्रेवलर्स चेक। क्लियर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय मिस सुजान ऑफ ₹1 लाख, मतलब मिस्टर ऋतिक के पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो सुजान ने एक्सेप्ट किया है जो $1 लाख का है, तो क्या ये सब चीजें फॉरेन एक्सचेंज है? आ जाइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। अब देखो एक्सप्लेनेशन और आंसर कंबाइन किया है क्योंकि एक एक केस वाइज आंसर है। सो जो डिपॉजिट है आप देख सकते हो, डिपॉजिट विद मिस कंगना ऑफ $30,000 इज अ फॉरेन एक्सचेंज एज इट इज अ फॉरेन करेंसी, क्या है ये? फॉरेन करेंसी। दूसरा, टुक अ क्रेडिट ऑफ $2 लाख इज अ फॉरेन एक्सचेंज एट इज एज इट इज ऑल्सो अ फॉरेन करेंसी। हैव अ ट्रेवलर्स कार्ड बैलेंस ₹2 लाख इज अ फॉरेन एक्सचेंज एज इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू फॉरेन करेंसी, किसी भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है किसी भी देश में। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय मिस सुजान PRY $1 लाख इज अ फॉरेन एक्सचेंज एज इट इज अ फॉरेन करेंसी एंड पेएबल टू मिस्टर ऋतिक इन इंडियन करेंसी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इन सब चीजों को फॉरेन एक्सचेंज मानेंगे। सवाल एक्स्ट्रा था, ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, एक्स्ट्रा मैंने जानबूझ के दिया है इसलिए क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है। फिर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी ये भी एक्स्ट्रा सवाल है, मैंने ही बनाया है जानबूझ के।
मिस्टर अभी इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, परचेस ऑफ शेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड ऑफ $170,000, 170,000 के माइक्रोसॉफ्ट के शेयर ले रहा है वो, परचेस ऑफ बॉन्ड इशूड बाय रशियन गवर्नमेंट वर्थ $60,000, रशियन गवर्नमेंट के बॉन्ड लेके रखे भाई ने, ठीक है, रशियन गवर्नमेंट। कई बार इंडियन गवर्नमेंट भी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड वगैरह इशू करती है जिसके अंदर कई सारे एनआरआईज वगैरह भी इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही रशियन गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए हैं $60,000 के जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया है। अब रशिया की करेंसी अलग है, लेकिन मैंने बोला था फेमा में हम एक ही करेंसी यूज करेंगे, डॉलर। परचेस ऑफ अ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वर्थ $40,000, सीजी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोलो, $40,000 के गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू किए हैं। क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है? ये भी हमको देखना है, ठीक है। सो क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है? अगला, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी यूनिलिवर लिमिटेड परचेस्ड एट ₹20,000 टू PRY एट रुपीज एट $50,000, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी यूनिलिवर के शेयर्स जो ₹20,000 के थे टू PRY को सेल किया एट $50,000, टेल वेदर द अबव सिक्योरिटीज आर द फॉरेन सिक्योरिटीज। कैसा सवाल है, फट के हाथ में आ जाएगी। थेरी पढ़ना अलग बात है, क्वेश्चन इसलिए इस बार से मैंने क्वेश्चन आंसर इंक्लूड किए हैं सेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना आप, सबसे पहले परचेस ऑफ शेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड $170,000, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स है, शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिबेंचर डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी, तो ऑब्वियसली इसको हम फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे, ये सुनो, तो डेफिनेशन के हिसाब से फॉरेन सिक्योरिटी है। परचेस ऑफ बॉन्ड इशूड बाय रशियन गवर्नमेंट, शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स बोला है इन द फॉरेन करेंसी, ये भी फॉरेन करेंसी में, तो सेकंड वाला भी फॉरेन सिक्योरिटी है। परचेस ऑफ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी ने इशू किए हैं $40,000 के गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने $40,000 के गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू किए हैं, सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी है, लेकिन रिडम्पशन इंडियन करेंसी में हो सकता है क्योंकि आप इंडियन पर्सन हो। नाउ सी वाला इज क्वेश्चनेबल, वी विल सी कि सी का आंसर क्या है, खास है, खास इसके अंदर सी वाला ही है, बाकी तो डेफिनेशन बेसिस पे हो जाएंगे, तो सी वाले को स्टार मार्क करके रखना। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी यूनिलिवर लिमिटेड परचेस एट ₹20,000, ₹20,000 के ऊपर, ₹20,000 के ऊपर यूनिलिवर के शेयर लिए थे, लेकिन PRI को बेचे हैं $50,000 में। टेल, ₹20,000 में सस्ता हो सकता है, बहुत जमाने पहले लिया होगा, अभी $50,000 में बेच दिया, मतलब डोंट नो। सो डी वाला ऑप्शन भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, तो दोनों चीजों को स्टार मार्क। क्लियर? सवाल काफी अच्छा है तो सवाल को कर दो भैया आप 4 स्टार 5 स्टार मार्क, ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन के अंदर बड़ा काम में आएगा ये, ठीक है। सो मैंने इसको 5 स्टार मार्क करके रखा, पहला सवाल भी थोड़ा सा टफ था, तो इसको मैं 4 स्टार मार्क करके रख देता हूं, ठीक है। तो हम स्टार मार्क भी करने वाले हैं सवालों को। अब आपके पास क्वेश्चनेयर है पर आप नियरली उसको लिख नहीं सकते, तो आपको ये किस तरीके से नोट करना है, डोंट वरी, आई विल टेल यू कैसे करना है, जस्ट चिल मारो फिलहाल, ठीक है, सब होगा, सब होगा। मैं फिलहाल मार्क कर रहा हूं, आप एकदम पैनिक मत हो जाओ, सर मेरे पास मार्क करने के लिए नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अगर आपको डर लगी रहा होगा तो आप रजिस्टर में लिख लो, इसका जो पेज नंबर है क्वेश्चनर का वो देखो, उसका क्वेश्चन नंबर देखो, चैप्टर देखो, और 5 स्टार 4 स्टार लिख के रखो। हालांकि नहीं भी लिखा तो मैं बताऊंगा क्या करना है जिंदगी के अंदर, ठीक है, जस्ट वेट, पर लिख के रखो तो बेटर है, ठीक है, बाद में देखेंगे क्या करना है। अब ये दो चीजों का आंसर हमको चाहिए, तो आ जाइए आंसर के ऊपर, देखते हैं। डेफिनेशन तो सबको पता ही है, पहला, परचेस ऑफ शेयर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड $170,000 इज अ फॉरेन सिक्योरिटी एज डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन सिक्योरिटी है और डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी है। रशियन गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए इज ऑल्सो ए फॉरेन सिक्योरिटी एज डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी, ये भी है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 40,000 फॉरेन सिक्योरिटी इशूड बाय सीजी इन इंडिया डिनोमिनेटेड इन रूपी, ओनली वर्थ इज गिवन इन डॉलर। सो परचेस ऑफ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड, हमको डाउट था, इज नॉट फॉरेन सिक्योरिटी, ये फॉरेन सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि इट इज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिनोमिनेटेड इन रूपी बट ओनली वर्थ इज गिवन इन डॉलर। ये कभी भी आपने देखना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी बॉन्ड ये डॉलर में इशू नहीं करता, रुपीज में इशू करता है। यहां कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मैंने उसको सिर्फ डॉलर में डिनोमिनेट करके दिया, पर रुपीज का उसका वर्थ है। अगर आप देखो तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड ऐसे नहीं, अगर इसका इंटरनेशनल मार्केट में भी वर्थ डॉलर में दिया रहेगा तो उसको हम डिनोमिनेटेड इन डॉलर वर्थ नहीं बोलते। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली अलग बॉन्ड्स इशू कर
करती है फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। अगला तो ये स्टारमार्क है कि भैया भले ही डिनोमिनेटेड इन मतलब वर्थ इज गिवन इन डॉलर, पर नॉर्मली सीजी के सभी बॉन्ड्स ये रुपीज में होते हैं। इतना टफ आपको सवाल आएगा कि डोंट नो बट मार्क करके रखना है। सेल ऑफ शेयर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी यूनिलीवर परचेस्ड इन रुपीज 2000 एंड टू पीआरओआई एट $50,000 इज नॉट अ फॉरेन सिक्योरिटी एज इट इज डिनोमिनेटेड इन रूपी इररिस्पेक्टिव ऑफ सोल्ड इन डॉलर्स। यूनिलीवर का शेयर ये रुपीज में ही डिनोमिनेटेड है, हमने रुपीज में ही खरीदा था, आपने उसको डॉलर में बेचा, एडीआर जीडीआर में कन्वर्ट करके, दैट इज अनदर, वो एडीआर जीडीआर हो सकता है फॉरेन सिक्योरिटी होगा, पर हमने इसको डॉलर में बेचा तो हमको रेमिटेंस तो रुपीज में ही आया होगा, भले ही वो $50,000 क्यों ना हो, पर डिनोमिनेटेड इन रुपी है ना, तो इस वजह से ये भी फॉरेन सिक्योरिटी नहीं माना जाएगा, बिकॉज जो इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड होता है वो फॉरेन सिक्योरिटी नहीं होता। लास्ट दो सी वाला हो सकता है आपको डिस्प्यूटेड लगे थोड़ा सा मैटर, पर याद ना, गवर्नमेंट के जितने भी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ रुपीज में डिनोमिनेट होते हैं, और जो चीज रुपी में डिनोमिनेट होती है भले ही वर्थ डॉलर में क्यों ना बोली जाए वो फॉरेन सिक्योरिटी नहीं होती। ये समझने लायक चीज है। क्लियर कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना, समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? बोलो यस और नो। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो, ये होने के बाद पर्सन वाली डेफिनेशन है। ठीक है, पर्सन के डेफिनेशन के अंदर टू यू टू वी एंड टू डब्ल्यू, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब यहां से बहुत सारे सवाल शुरू होंगे और देखना प्रैक्टिस मैनुअल का सवाल है। अब इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस मैनुअल तो रिवोक कर लिया है, तो ये पुराने प्रैक्टिस मैनुअल से हमने सवाल उठाया था कि भैया ये सवाल आपके काम में आए। अब ऐसा हो सकता है कि कई बार सवाल रिपीट होंगे, सेम नाम से भी रिपीट होंगे, लेकिन मैंने वो रखे हैं प्रैक्टिस पर्पज के लिए। ये इसलिए रखे हैं क्योंकि कौन से एरिया में कौन सा सवाल पूछा, कौन सी ईयर में कौन सा सवाल पूछा, ये पता होना चाहिए। नाउ हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट लाइक अ फैक्ट्री और ऑफिस इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, किस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट या फैक्ट्री वगैरह एक्सेट्रा या पीआरआई है क्या? ठीक है, तो यहां पे नीचे एक एग्जांपल दिया। अब इस सवाल का जो जवाब है, हाउ विल यू डिसाइड, ये सवाल का जो जवाब है, ये सवाल का जवाब हम डेफिनेशन से देंगे कि भाई डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। और फिर प्रिंटेक्स कंप्यूटर इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट हैज अ यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर प्रिंटर्स विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन पुणे। इट हैज अ ब्रांच, देखो प्रिंटेक्स सिंगापुर बेस्ड कंपनी है प्रिंटेक्स कंप्यूटर, तो प्रिंटेक्स पहले तो हमने डेफिनेशन लिख दी, फिर प्रिंटेक्स कंप्यूटर। अच्छा, डेफिनेशन में भी हम सिर्फ वही पार्ट लिखेंगे जो आर्टिफिशियल पर्सन का है, हम इंडिविजुअल का नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप पूरा इंडिविजुअल का लिखते बैठोगे तो इससे आपको तकलीफ हो जाएगी। हम बाकायदा डिक्टेट करके सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन का ही लिखेंगे। फिर प्रिंटेक्स कंप्यूटर इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स। अब सिंगापुर बेस्ड कंपनी मतलब प्रिंटेक्स कंप्यूटर का तो स्टेटस बेटा स्ट्रेट अवे हो गया पीआरओआई। प्रिंटेक्स कंप्यूटर का स्टेटस क्या हो गया, बोले एक बार जो से पीआरओआई। फिर उसके बाद में नीचे इट्स यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स प्रिंटेड हेडक्वार्टर्ड इन पुणे, मतलब एक उसका जो यूनिट है वो हेडक्वार्टर पुणे में है। क्लियर है, तो दो यूनिट हो गई है। इट हैज अ ब्रांच इन दुबई कंट्रोल्ड बाय हेडक्वार्टर इन पुणे, दुबई वाले ब्रांच तीसरा हो गया। व्हाट वुड बी रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा ऑफ अ प्रिंटर कंप्यूटर्स यूनिट्स इन पुणे एंड दैट ऑफ दुबई। अब जब भी आपको ऐसे सवाल पूछे जाए आपने याद रखना है कि क्वेश्चन के अंदर जितने भी आर्टिफिशियल एंटिटीज दिए हैं, जितने भी आर्टिफिशियल एंटिटी दिए हैं वो सभी पूछा भले ही किसी का जाए, लेकिन जितने भी आर्टिफिशियल एंटिटी दिए हैं सबका स्टेटस लिख के आना है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे उन्होंने सिर्फ दुबई का अगर पूछा है, देखो उन्होंने पुणे और दुबई का पूछा है नहीं, पर हम प्रिंटेक्स का भी लिखेंगे, पुणे का भी लिखेंगे, दुबई का भी लिखेंगे। उन्होंने सिर्फ दुबई का भी पूछा हो तो भी हम तीनों का लिखेंगे, बिकॉज हमको मार्क्स खोने नहीं है। क्लियर है लिखने का तरीका? प्रोविजन मैं आपको लिखने का भी तरीका बोलूंगा, जस्ट वेट फॉर इट, या फिर पहले बोल दूं आपको लिखने का तरीका क्या लगता है, तो जरा देखना। मैं आपको पहले थोड़ा सा लिखने का तरीका ही बोल दूं कि किस तरीके से सवाल के जवाब लिखने चाहिए। आ जाइए, और हम क्वेश्चनर देख रहे हैं तो यही टैली भी हो जाएगा और आपके काम में भी आ जाएगा। क्या हो गया चीचा, हैंग हो गया क्या? ओके, सो किस तरीके से हमको देखना है, जरा बोर्ड के ऊपर आइए तो समझ में आएगा। जब भी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का तरीका है बच्चों, ठीक है, इसके लिए जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। अब देखो सिचुएशन ऐसी है कि हम मेरे को फेमा के अंदर बहुत सारे बेसिक बोलने पड़ते हैं, जैसे हिस्ट्री बोलनी पड़ती है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लिखने के तरीके बोलने पड़ते हैं, इसलिए लगता है कि फेमा के लेक्चर्स बहुत सारे हो रहे हैं, पर उसके अंदर नियरली तीन एक दो तीन लेक्चर्स तो हमारे सिर्फ बेसिक कंटेंट और क्वेश्चन आंसर राइटिंग के होते हैं। तो जरा ध्यान देना, तुम सीए इंटर में क्या किया करते थे,
और तुम सीए फाइनल पे क्या कर सकते हो? सीए इंटर में तुम क्या किया करते थे, तुम सवालों के जवाब कैसे लिखा करते थे, और सीए इंटर में तुमने लॉ किस तरीके से पढ़ा था? बड़ा सवाल है बेटा। सीए इंटर में जैसे ही लॉ का सब्जेक्ट तुम्हारे हाथ में आता था, अगर तुम मेरे से पढ़े होंगे तो तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है और अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे से नहीं पढ़े तो जैसे ही लॉ सब्जेक्ट हाथ में आता था, तुम समझो कंसेप्ट देखते थे और उसको रटना शुरू करते थे, जैसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तुम शुरू हो जाते थे। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस अ प्रोस्पेक्टस व्हिच इज डन इन कलर एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस कंटेन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द, अरे वापस से, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस प्रोस्पेक्टस कंटेन साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस, रट लिया ताकत से, फिर एक बार कंफर्म कर लिया, रीडिंग प्रॉस्पेक्टस मींस प्रॉस्पेक्टस साइलेंट फ्यूचर एक्सेप्टेड, हाँ यस, फिर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस रख लिया। नाउ व्हाट आई विल डू, कभी गलती से इंटर का पेपर देने गए, सीए इंटर का एग्जाम पेपर देने गए, एग्जाम में बैठे हो और पहला ही सवाल लकीली आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जैसे ही आप देखते हो क्वेश्चन नंबर वन रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और तुमने रटा रेड हेरिंग प्रॉप, तो मैं लिखूंगा और तुम शुरू हो जाते हो, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस मींस अ प्रॉस्पेक्टस इन विच द स द द द द रटा था ना, अब याद नहीं आ रहा है, द द शिट, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस याद नहीं आ रहा, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे? तो जब पता चलता है अब आंसर याद नहीं आ रहा 10 मिनट वेट करने के बाद, तो आप मस्त कलर का पेन लेते हो और इसको काटते हो, मतलब पहले ही सवाल का आंसर कट गया, तो आंसर नहीं कट गया आपका कट गया। और फिर जब तुम्हें कुछ, अब इतना सारा आंसर रटा है, कुछ तो बेसिक कंसेप्ट याद रहेगा, अब आप इसको लिखना चाहते हो बेसिक कंसेप्ट को, पर लिखे कैसे, और इंप्रेशन भी मार रहे हैं उसमें भी, पहला ही क्वेश्चन का पहला ही आंसर काट दिया सीए इंटर में आंसर शीट में, इंप्रेशन क्या पड़ेगा? तो आप बदले की भावना से सेम आंसर, जितना कंसेप्ट रेड हेरिंग का थोड़ा इतना रटा था ना एकदम हिल डुल के एकदम सब ये वो करके, थोड़ा तो कंसेप्ट याद होगा, तो आपने वो कंसेप्ट को याद करके आंसर लिखने की कोशिश वापस शुरू की, और इस बार आप शुरू करते हो एज पर कंपनीज एक्ट, वाह ये एज पर कंपनीज एक्ट, सेक्शन तो याद किया नहीं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32, नहीं, एज पर कंपनीज एक्ट, ये मजा आ जाएगा, ऐसा लग रहा है टेक्निकल लिख रहे हैं, एज पर कंपनीज एक्ट, फिर आप लिखते हो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंटेन साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस नॉट कंटेन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स फुल स्टॉप, फिर आप देखते हो कि मैंने जो लिखा इसमें तो सिर्फ 3 लाइन भरी, सवाल कितने मार्क का है? 4 मार्क, 4 मार्क, 3 लाइन, 3 लाइन, 4 मार्क, बहुत नाइंसाफी है। फिर आप सोचते हो अब क्या लिखूं, क्योंकि हमारा तो इक्वेशन फिट है ना बेटा, 4 मार्क के लिए 1 पेज, 8 मार्क के लिए 2 पेज, 16 मार्क के लिए 3 4 पेजेस, 25 मार्क का सवाल है, हम पूरी आंसर शीट भर देंगे, कुछ आता हो ना आता हो पर हम आंसर शीट जरूर भरेंगे। तो फिर आप दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखूं, ये सोचते सोचते दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना शुरू करते हो, आपको कुछ याद तो आता नहीं, कंसेप्ट तो ऊपर लिख दिया बस इतना ही याद था, बाकी रटा हुआ था वो भूल गए, कवरेज पकड़ने की कोशिश की इधर उधर देखते हुए, हिलने की ऐसे कोशिश की पर याद कुछ नहीं आया, तो अब सेकंड पार्ट में आप क्या लिखते हो, सेकंड पैराग्राफ सिर्फ पेपर भरने के लिए कि 4 मार्क बड़े जितना बड़ा आंसर देखे बस इसलिए, आप क्या लिखते हो, द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शुड बी इशूड बाय स्पेसिफाइड कंपनी इन अ स्पेसिफाइड मैनर इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट विद अ स्पेसिफाइड डेट इन अ स्पेसिफाइड टाइम विद अ स्पेसिफाइड ऑथोरिटी इन अ स्पेसिफाइड फीस विद अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अ स्पेसिफाइड विद अ स्पेसिफाइड 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 स्पेसिफाइड, 5 लाइन में 50 बार स्पेसिफाइड, जिसको आंसर को देख के वैल्यूअर की मर्जी हो जाती है मार्क एज में भी स्पेसिफाइड लिखने की, लेकिन क्या करे बेचारा ऐसा लिख नहीं सकता, तुम तो स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड करके आ गए जिंदगी के अंदर, फिर भी देखा तो भैया इससे ना पूरा पेज फिनिश नहीं हुआ है, नीचे की 4 लाइन अभी भी खाली है, 4 लाइन ऐसी कैसी खाली है, 4 मार्क के लिए 1 पेज, 4 लाइन ऐसी कैसी 4 लाइन खाली हो सकती है, फिर नीचे के 4 लाइन में द पब्लिक कंपनी शुड हैव 7 मेंबर्स, काई को काई, तेरे को पूछा पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स चाहिए? नहीं, मैं लिखूंगा क्योंकि मैंने याद किया है,
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से उसका सोच ले रहे नहीं नहीं पर मैंने तो याद किया है तो मैं तो लिखूंगा। पागल हो गया जिंदगी में क्या लिखते रहते, नहीं मैंने याद किया है तो मैं लिखूंगा, भले वो रिलेवेंट हो या ना हो, पेपर भरना हमारा काम है, पूरे पैसे दिए, एग्जाम फीस पूरी दिए, हर पेज के ऊपर, हर कोने में, हर कोपचे में, हर जगह पे मैं लिखूंगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। भले ही वैल्यूअर का दिल टूटे पर आंसर शीट खाली ना छूटे, ये हमारा मूल मंत्र है। भले ही वैल्यूअर का दिल टूटे पर आंसर शीट खाली ना छूटे, हर कोने में, हर कोपचे में लिखेंगे। सीए के स्टूडेंट है, फेंकने की कैपेसिटी तो बहुत है हमारी। और ऐसा करके आपने आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। वाह, बहुत बढ़िया, मस्त। ऐसे आप 70 मार्क के सवाल लिखते हो, वो तो खुदा का शुक्र है कि 30 मार्क के एमसीक्यू आते हैं, उसमें ये स्कोप नहीं रहता। वो तो वैल्यूअर की दर्द को आईसीआई ने समझ लिया और बोले कि इनको एमसीक्यू दे दो, वैल्यूअर का दुख इतना देखा नहीं जाता, उनके झगड़े हो रहे, घर पे डिवोर्स हो रहे, तो खुदा का शुक्र है 30 मार्क के एमसीक्यू आते हैं। तो बचे हुए 70 मार्क जो है उसके अंदर आप ऐसे सवाल के जवाब लिखते हो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। 70 मार्क में आप ऐसे सवालों के जवाब लिखोगे, मतलब 17 ऐसे सवाल आप लिख रहे हो, 17 कम से कम ऐसे सवाल लिख रहे हो जिनके ऐसे जवाब है। 17 questions, 17 question आपने लिखे, 30 मार्क के एमसीक्यू है। ऐसा एक वैल्यूअर दिन में 50 से 100 पेपर चेक करता है, मतलब वो दिन में 17 question मल्टीप्लाइड बाय 100 पेपर्स डेली चेक कर रहा है, मतलब 1700 यूजलेस आंसर, चलो इसका हाफ भी ले लो तो 850 यूजलेस आंसर वो डेली चेक कर रहा है। क्यों ना उसका दिमाग खराब हो और क्यों आपको वो मार्क्स दे? फिर बच्चे बोलते हैं इंस्टीट्यूट मार्क नहीं देती, इंस्टीट्यूट को मार्क देने हैं, आप लिखो तो सही पहले। हाँ, कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें चेकिंग गलत होता है, मैं मानता हूं, कोई दिक्कत नहीं, पर सभी के साथ क्या होता है? अगर सभी के साथ होता है तो आज के डेट में हम सीए बनते ही नहीं थे। बात तो सही है ना, कोई सीए नहीं बनता था सभी के साथ गलत होता है तो। और मेरा नॉलेज देख के लगता क्या मैंने सीए बनना ही नहीं चाहिए था? नहीं नहीं सर, तुमने तो बनना ही नहीं चाहिए, लगते ही नहीं है चेहरे पर से, निकम्मो नलायक हो, ध्यान दो। सो 850 सवाल वो डेली ऐसे चेक कर रहा है, 850 questions डेली। अगर सवेरे नहा धो के पूजा पाठ करके अगर पेपर चेक करने बैठा है ना अच्छे मूड के साथ में, दूसरा पेपर खत्म करते करते मूड खराब हो जाएगा, बीवी कहे चाय ला, बीवी चाय लाएगी, चाय पी के देखेगी इसमें तो शक्कर ही नहीं है, ब्रर नहीं पीना मेरे को चाय, ब्रर लेके जा। बच्चा उधर से आया खेलते खेलते खेलते, पप्पा पप्पा खिलौना चाहिए, ये खिलौना चाहिए तेरे को, तेरे पप्पा का खिलौना बनाए काफी नहीं है, 850 सवाल सॉल्व कर रहा हूं दिन भर में, और खिलौना चाहिए, यहां से ये ले पेपर, पुंगली कर, खिलौना चाहिए। ये हिम्मत हो, ये हालत होती है वैल्यूअर की। मैं टेस्ट सीरीज के पेपर चेक करता हूं कई बार, देख के दिल दहल जाता है, बच्चे क्या क्या क्रिएटिविटी दिखाते हैं, फिर तो इच्छा ही नहीं होती। 2 से 3 पेपर पढ़ लिए ना तो दिमाग खराब, नहीं बब्बा मेरे से ना हो पाएगा। ऐसे वैल्यूअर 850 सवाल चेक करता है और आप ऐसे लिख के आते हो, क्या पाप किया उसने जो इतनी बेइज्जती? हाँ ये तकलीफ नहीं, ये बेइज्जती है, वो भी सीए है क्योंकि वैल्यूअर उस ये बनाए तो ऐसे ऐसा उसने किसी को, मतलब भगवान ने ऐसी सजा किसी को नहीं देनी चाहिए कि सीए बनने के बाद ऐसे आंसर चेक करने पड़े, जब उसको नॉलेज है इस चीज का कि भाई क्या आंसर होना चाहिए। वाह, और साइड में मॉडल आंसर भी है इंस्टीट्यूट का। तो बेटा फाइनल पे आए हैं, सुधर जाते हैं, वैल्यूअर के झगड़े हो रहे, डिवोर्स हो रहे, बच्चे रो रहे, पुंगलियों के साथ खेल रहे, फाइनल पे आते हैं, अच्छे से लिखना शुरू करते हैं। जरा देखिए मेरे क्वेश्चनर का हर आंसर इस मॉडल फॉर्मेट में होगा, हर आंसर, ठीक है? सिंपल फॉर्मेट है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है, सिंपल लिखना, जितना सिंपल और हम्बल फॉर्मेट उतने ज्यादा मार्क्स, ठीक है? सबसे पहले कोट करो प्रोविजन, अंडरलाइन करो, कोलन करो, ब्रैकेट में सेक्शन नंबर, जैसे हमने यहां पे फॉरेन सिक्योरिटी का सेक्शन लिखना था तो हमने लिखा 2 सबसेक्शन नंबर हो फॉरेन सिक्योरिटी, लेकिन हमारे सिलेबस में 6-7 एक्ट है तो एक्ट का भी नाम लिखना जरूरी है। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट शॉर्ट फॉर्म लिखा जो भी चल जाएगा, कंपनीज एक्ट का शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, सिर्फ जो बड़े बड़े लॉज है सिर्फ उनका ये लिखा। फिर पॉइंट वाइज फॉर्म में प्रोविजन लिखो, आप देखना मेरे मॉडल आंसर फॉर्मेट में सभी जो प्रोविजन पॉइंट वाइज है, डेफिनेशन भी है तो भी पॉइंट वाइज दी है, ठीक है? कि फीमा की डेफिनेशन ये है, फिर नीचे हमने डेफिनेशन शुरू की। एक बार आपकी प्रोविजन कोट करना शुरू हुई,
जैसे अभी हमने फॉरेन सिक्योरिटी वाला सवाल पूछा, क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है, तो मैं यहां डेफिनेशन लिख लूंगा। आप देखो कैसे लिखा है, कैसे लिखा है फॉरेन सिक्योरिटी का डेफिनेशन, देखो कैसे लिखा है। फॉरेन सिक्योरिटी मींस, पॉइंट नंबर वन में लिखा है, फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी, एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड सिक्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी बट वेयर रिडेम्पशन रिटर्न इन इंडियन। पूरी डेफिनेशन लिख दी नीचे, डिनोमिनेटेड ऑफ ऑफ सिक्योरिटी मस्ट बी इन द फॉरेन करेंसी इज नेसेसरी। ये काम की चीज हमने देखी थी कि सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, इसलिए एक टॉपअप पॉइंट दे दिया। तो देखो कितने शांति से कोट किया है, इसी तरीके से जितने पॉइंट हो 1 2 3 4 आपने इसको कोट करना है। फिर नीचे एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन बहुत दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको थोड़ा सा साइड में एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको सिंगल केस स्टडी दी है, मतलब सिर्फ एक केस स्टडी दी है और एक ही केस स्टडी को डिस्क्राइब करना है, तो आपका एक्सप्लेनेशन अलग आएगा और जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन देंगे, एक्सप्लेनेशन एंड आंसर ये दोनों चीजें हम लिखेंगे। मतलब ये सिर्फ कब, जब एक केस स्टडी है, ये आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके क्वेश्चन के अंदर तीन चार सवाल पूछे हैं, तीन चार क्वेश्चन, जैसे अभी हमने फॉरेन सिक्योरिटी और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर तीन चार सवाल देखे, ये फॉरेन एक्सचेंज है क्या, ये फॉरेन एक्सचेंज है क्या, ये फॉरेन एक्सचेंज है क्या, ऐसे तीन चार है, तो आपने एक्सप्लेनेशन एंड आंसर, एक्सप्लेनेशन एंड आंसर को कंबाइन करना है, जैसे मैंने किया, कंबाइन एक्सप्लेनेशन एंड आंसर कंबाइन, इसको सेपरेट नहीं करना है। आप इधर देख सकते हो, जैसे देखो फॉरेन, यहां मैंने लिखा एक्सप्लेनेशन और साथ में ही मैंने लिखा आंसर, क्योंकि ये जरूरी इसलिए क्योंकि चार पांच सवाल पूछे गए, हर एक का सेपरेट आंसर नहीं दे पाएंगे, हर एक के लिए एक्सप्लेनेशन देंगे फिर आंसर देंगे, उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन, चार पॉइंट के अंदर मैंने यहां पर आंसर दे दिया, सिंपल खत्म कर दी बात। सिक्योरिटी में भी वैसा। सो अगर आपको चार पांच केसेस दिए हैं एक साथ, तो एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन करो, 1 2 3 4 पॉइंट लिखो और 1 2 3 4 पॉइंट के अंदर उसके आंसर दे दो, अगर तीन चार सवाल है, चार या उससे ज्यादा सवाल है तो। लेकिन अगर आपको एक ही सवाल पूछा है, केस स्टडी एक है, दो है या तीन है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सप्लेनेशन आंसर ये अलग अलग रखना, एक्सप्लेनेशन में पूरा केस स्टडी डिस्कस करना, आंसर में उसको कंक्लूड करना। इसका भी आंसर मैं आपको दूंगा, कुछ फॉर्मेट आगे आएंगे उसके हिसाब से लिखेंगे। सो हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं फर्स्ट वाला एरिया एक्सप्लेन करूंगा, सेकंड वाला तो अभी हमने देखा ही ना, क्लियर। सो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे इन द गिवन केस। सर एक्सप्लेनेशन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो बेटा एक्सप्लेनेशन में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब प्रोविजन, प्रोविजन किस तरीके से लगेगा ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम कैलकुलेशंस दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में हम रीजनिंग दे सकते हैं, ये पॉइंट्स नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिख सकते हो, रीजनिंग दे सकते हैं कि ये आंसर क्यों आना चाहिए, ये हम रीजनिंग दे सकते हैं। और फिर पॉइंट वाइज फॉर्म में 1 2 3 4 जो भी आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज फॉर्म में, जैसे डिस्क्रिप्शन देना है पॉइंट वाइज फॉर्म में, कैलकुलेशन पॉइंट वाइज फॉर्म में, रीजनिंग पॉइंट वाइज फॉर्म में। फिर उसके बाद में आएगा केस लॉ। अभी तक के तो देखो हमने कोई केस लॉ फेमा में देखा नहीं है, पर अगर आप केस लॉ पढ़ोगे, जैसे कुछ चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, जिसमें केस लॉ भर भर के, डायरेक्टर्स में भी केस लॉ भर भर के, तो अगर आपने कोई केस लॉ पढ़ा है तो केस लॉ पिटिशनर वर्सेस डिफेंडेंट, मैं आपको बताऊंगा पिटिशनर डिफेंडेंट क्या होता है, एक्स वर्सेस वाई, ये जो केस लॉ होता है वो, और वन लाइन में मुझे यहां पर डिसीजन चाहिए कि एक लाइन में उस केस लॉ का डिसीजन क्या है, यह हम यहां पर लिखेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, ये चीज को हमने अच्छे तरीके से याद रखना, केस लॉ कोट करना खत्म, फिर एंड में आंसर। सर एक्सप्लेनेशन तो लिखा, आंसर की क्या जरूरत है, कॉस्टिंग के पेपर में कंक्लूड करते हो 20,000 रुपए कॉस्ट आई क्यू आई, बैलेंस शीट टैली करते हो तो नीचे अंडरलाइन करते हो दोनों बैलेंस शीट की फिगर्स को, आंसर यहां क्यों थ्योरी पेपर में कंक्लूड ना करे, उन्होंने देखो सवाल क्या पूछा है। अब देखो ये जो सवाल हम देख रहे हैं ना, फॉरेन किसका, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का, उन्होंने एक सवाल क्या पूछा है देखो, व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर द फेमा ऑफ प्रिंटर यूनिट इन पुणे एंड दुबई, उन्होंने सवाल पूछा है पुणे और दुबई का। हम एक्सप्लेनेशन में सब रीजनिंग दे दिए, पर अगर हमने पुणे और दुबई का स्टेटस कंफर्म नहीं किया एट द एंड ऑफ द आंसर, और मैंने ये सेंटेंस नहीं लिखा कि पुणे का स्टेटस ये है दुबई का स्टेटस ये है, तो मेरे 1-2 मार्क कटने के चांसेस है 4 में से, मतलब पूरी मेहनत की और मार्क्स 2 ही मिले। तो आंसर जो पूछा है, व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड, जस्ट जस्ट आंसर इट इन वन लाइन, जस्ट आंसर इट इन वन लाइन, ये आपको लिखना है। और इसको भी पॉइंट वाइज फॉर्म में 1 2 3 सवाल रहेंगे उनके आंसर, और सबसे एंड में सजेशन।
अब सजेशन में नॉर्मली हम क्या कोट कर सकते हैं, कोई फॉर्म अगर रिलेटेड है तो कोट करेंगे, कोई पेनल्टी दी है जो पूछी नहीं है पर रिलेवेंट है तो हम कोट करेंगे, रिलेवेंट चीज है, पब्लिक कंपनी शुड हैव 7 मेंबर्स, कोट नहीं करना है, ई फॉर्म्स पेनल्टीज ऐसी चीजें कोट करनी है, या जो रिलेवेंट कंटेंट है जो प्रोविजन में कोट करना आप भूल गए वो आप सजेशन में कोट कर सकते हो। जैसे प्रोविजन में कोई पॉइंट लिखना भूल गए, जैसे यहां पे फॉरेन सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट है ना, दो पॉइंट आपने देखे अभी, जस्ट देखना ये देखो, ये फॉरेन सिक्योरिटी में दो पॉइंट दिए थे ना, हाँ देखो फॉरेन सिक्योरिटी की पहले पहले फॉरेन सिक्योरिटी का डेफिनेशन, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो भी सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होगी वो फॉरेन सिक्योरिटी। अब समझो ये पॉइंट मैं यहां पे लिखना भूल गया तो मैं इसको सजेशन में डाल सकता हूं, बाद में मेरे को और मुझे याद आता है तो सजेशन कीप्स ऑप्शन ओपन फॉर राइटिंग रिलेवेंट थिंग्स एज वेल एज ई फॉर्म्स पेनल्टीज, जो बाकी और कोई नहीं लिखेगा, जो सिर्फ अपने ही स्टूडेंट्स लिखेंगे। ये आपको एडिशनल एज और इंप्रेशन देगा कि भाई सामने वाला आपको मार्क्स देके जाए। ऐसा अगर आप पहले 5 सवाल सॉल्व करते हो ना, छठे सवाल से ऑटोमेटिक मार्क आना शुरू होंगे। अब सोचो ये फॉर्मेट आपने फॉलो किया और ये फॉर्मेट आपने जो फॉलो किया, दोनों में कितना डिफरेंस है, सोचो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस फॉर्मेट पे सब सेग्रीगेटेड है, प्रॉपरली ड्राफ्टेड है, ये देखो प्रोविजन, ये एक्सप्लेनेशन, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहां पे उसको आंसर ढूंढने की जरूरत पड़ रही है, आपने क्या कहां लिखा, आधी चीजें तो आधे वर्ड्स तो स्पेसिफाइड नाम से दिए थे आपने, यहां सब दिया है बकायदा कि तेरे को आंसर चाहिए यहां है, तेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए बेटा, रीजनिंग चाहिए यहां है, तेरे को प्रोविजन चाहिए बेटा यहां है, ढूंढ ले जो चाहिए पढ़ ले। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस फॉर्मेट में हमको इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट के कंपैरिजन में हाफ से 1 मार्क ज्यादा मिलेगा? मतलब आप सेम आंसर इस फॉर्मेट में लिखते हो, सेम आंसर, चलो कंटेंट पूरा सही है, तो इस फॉर्मेट, इस आंसर को पूरा इस फॉर्मेट में लिखते हो और इस फॉर्मेट में लिखते हो, तो कहना इसे सिर्फ फॉर्मेट के लिए हाफ मार्क ज्यादा मिलेगा। सो हाफ से लेके 1 मार्क हमको ज्यादा मिल सकता है यहां पे। चलो लेट्स गो पेसिमिस्टिकली, हाफ मार्क ज्यादा मिला मल्टीप्लाइड बाय 17 सवाल आप सॉल्व किए तो बेटा 8.5 मार्क। मतलब अगर थोड़ा सा भी इंप्रेशन अच्छा रहा और आपके बाचुए सवालों के ऊपर भी 1.5 मार्क और ज्यादा मिल गया, तो नियरली 10 मार्क आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने के, सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने के 10 मार्क, 10 मार्क फॉर्मेट फॉलो करने के। 60 पे हो 2-3 सब्जेक्ट लेके बाहर निकलोगे, 50 पे हो एग्जम्पशन आएगा, 40 पे हो एग्रीगेट निकलेगा, 30 पे हो पास हो जाओगे सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने के लिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दूसरी बात, जो वैल्यू, अरे मूड अच्छा होगा, खुश हो जाएगा वो ऐसा फॉर्मेट देख के। अगर मैं बोलूं ना कि भैया 1000 पेपर आप सॉल्व वो चेक करने वाला है अगले 10 दिन में या 15 दिन में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हार्डली 50 से 100 पेपर ऐसे होंगे जिसमें कंटेंट और फॉर्मेट सही होगा, और आपको लेंथ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने सिर्फ यही कंटेंट अगर इधर लिखा, लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट का एडवांटेज है, ये फॉर्मेट रोकता है आपको कोई भी चीज भूलने से, प्रोविजन भूलने से रोकेगा, एक्सप्लेनेशन भूलने से रोकेगा, केस लॉ भूलने से रोकेगा, आंसर भूलने से रोकेगा। मतलब ये 5 पॉइंट आपने चेक कर देना कि ये आंसर में ये 5 पॉइंट आ रहे हैं क्या, नहीं है केस लॉ कोई दिक्कत नहीं, पर आप चेक तो कर लिए, और अगर कभी कुछ प्रोविजन में भूल गए तो सजेशन में लिखने का भी एक सहूलियत अवेलेबल है। अगर आपने ऐसे पहले 5 सवाल सॉल्व कर लिए ना, पहले 5 सवाल 17 में से, तो बचे हुए 12 सवाल के ऊपर आधे से लेके 1 मार्क वो एक्स्ट्रा देगा, भले ही आपने एरियर की है, स्पेलिंग मिस्टेक की है, लैंग्वेज ठीक नहीं है, बट फिर भी वो पूरे मार्क्स देता जाएगा क्योंकि आपने इंप्रेशन क्रिएट किया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसी फॉर्मेट में आंसर आना चाहिए, और आप मेरे क्वेश्चनियर का देख सकते हो पूरे आंसर इसी फॉर्मेट में, पूरे आंसर, हर आंसर इस फॉर्मेट में, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, बहुत दिल से क्वेश्चनियर ठोका ही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो मैं चाहूंगा कि ये जो फॉर्मेट मैंने दिया है इसको आप कहां लिखोगे, जो पहले 15 पेजेस हमने ब्लैंक लिखे थे, रखे थे याद है, 15 पेजेस ब्लैंक छोड़े थे, 30 पेजेस ब्लैंक छोड़े थे, 15 साइड्स, उसमें पहले आपने कुछ एक कंटेंट छोटा सा लिखा होगा रिगार्डिंग लॉ, उसके बाद में फॉर्मेट लिख लेना, ठीक है? पूरा फॉर्मेट कोट करना है ऐसा कैसा, गो फॉर इट फास्ट, मैं आपको समय देता हूं, गो फॉर इट फास्ट। हाँ, जो सिर्फ क्वेश्चनेयर लेक्चर देख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चनेयर का जो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मेट वो उनके रजिस्टर में कहीं पे भी लिख ले, या बुक में लिख ले, या बुक के स्टार्टिंग में लिख ले, उनकी मर्जी, गो फॉर इट फास्ट। सिर्फ फॉर्मेट लिखना है, इजी होगा फिर।
चलो डन, लिख लिया सबने, लेट्स गो। सो ये फॉर्मेट में आंसर लिखना है, फॉर्मेट याद रखना। अब आप आंसर देखना, नियरली सभी उसी फॉर्मेट में है। तो हमने अभी अभी सवाल पढ़ा, मैं एक बार सवाल वापस पढ़ता हूं। हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट लाइक फैक्ट्री और ऑफिस इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अंडर फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। प्रिंटेक्स कंप्यूटर इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट हैज अ यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर प्रिंटर्स विद हेडक्वार्टर्स इन पुणे। इट हैज अ ब्रांच इन दुबई विच इज कंट्रोल्ड बाय हेडक्वार्टर्स इन पुणे। व्हाट वुड बी रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा ऑफ प्रिंटर यूनिट्स इन पुणे एज वेल एज दुबई। अब पहले प्रोविजन के अंदर हम बच्चों क्या कोट करेंगे, तो फर्स्ट थिंग हम प्रोविजन के अंदर कोट करेंगे दैट इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के डेफिनेशन, PRI और PRY के डेफिनेशन, ये हम प्रोविजन के अंदर कोट करेंगे, जिसके अंदर हम सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन की डेफिनेशन कोट करेंगे। देखो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल पर्सन की ही डेफिनेशन हम कोट कर रहे हैं, क्लियर है। फिर ये डेफिनेशन जब हम आर्टिफिशियल पर्सन की पूरी कोट कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में आर्टिफिशियल डेफिनेशन पर्सन की डेफिनेशन कोट कर ली। अब यहां मैंने एक्सप्लेनेशन आंसर कंबाइन किया बिकॉज मेरे को तीन लोगों का सिचुएशन बताना है कि भाई उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, और एज सच एक्सप्लेनेशन में लिखने लायक कुछ नहीं क्योंकि डेफिनेशन से सीधा आंसर आता है। एक्सप्लेनेशन भी बच्चों आपने तब देना है जब आपको कुछ डिस्क्रिप्शन या कैलकुलेशन देना है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन और कैलकुलेशन नहीं देना है, सीधा प्रोविजन से आंसर आ सकता है, तो एक्सप्लेनेशन और आंसर आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहां किया है। सबसे पहले प्रिंटेक्स कंप्यूटर ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जिसके पूरे दुनिया में यूनिट्स है, हेडक्वार्टर पुणे में है, इट हैज ब्रांच इन दुबई, ये बोला गया है। प्रिंटेक्स कंप्यूटर सिंगापुर बेस्ड कंपनी वुड बी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये PROI है प्रिंटेक्स कंप्यूटर्स। उसका जो पुणे ब्रांच है उसको हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। हालांकि इसका जो दुबई ब्रांच है वो पूना से कंट्रोल्ड है, इसलिए ये भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा, ये तो सबको आंसर पता है। हेंस प्राइमा फेसिया इट मे बी पॉसिबल टू होल्ड इन अ व्यू दैट द दुबई ब्रांच इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सजेशन एनी पर्सन अदर देन PRY इज अ PRI इज अ PRY, ये हमने लिखा है 2 सबसेक्शन नंबर W में, समझ में आ रहा है। दैट इज 2W, दैट इज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये सजेशन है क्योंकि 2W नॉर्मली कोई कोट नहीं करता, तो हमने किया है। अगला सवाल, ठीक है, खास सवाल नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था, तो इसको हम स्टार मार्क नहीं करेंगे, इसको बार बार हमको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, हम उन्हीं को स्टार मार्क कर रहे हैं जो हमारे रिवीजन में काम में आएंगे। एग्जामिन वेदर फॉलोइंग ब्रांचेस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अंडर फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एबीसी लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एस्टेब्लिश अ ब्रांच इन लंडन। एबीसी लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कहां हुई है, इंडिया में, और ब्रांच कहां पे बनाई है उसने, लंदन में, ऑन 1 जनवरी 2018। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कब बनाई है, स्टेटस जिस दिन बनाया वहीं से हो जाएगा। मेसर्स एक्वायर्ड अ फॉरेन कंपनी एस्टेब्लिश अ ब्रांच इन न्यू दिल्ली ऑन 1 जनवरी 2018। द ब्रांच इन न्यू दिल्ली कंट्रोल द ब्रांच ऑफ कोलंबो। अब देखना, एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड एस्टेब्लिश अ ब्रांच इन लंडन, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड का स्टेटस क्या होगा, PRI, उसके लंदन ब्रांच का स्टेटस क्या हो जाएगा, PRY या PRI, बताओ PRY या PRI, तो PRI क्योंकि ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय इंडियन कंपनी। XYZ फॉरेन कंपनी है तो उसका स्टेटस PRY, उसका ब्रांच है न्यू दिल्ली में, PRI, और न्यू दिल्ली ब्रांच कोलंबो ब्रांच को कंट्रोल कर रही है, तो स्टेटस क्या होगा, PRI। काफी इजी है, वापस से मैंने आर्टिफिशियल पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस की डेफिनेशन कोट की और उसके बाद में स्ट्रेट अवे एक्सप्लेनेशन आंसर के अंदर मैंने कंबाइन कर दिया और सबका रेसिडेंशियल स्टेटस लिख लिया, सेम टाइप का आंसर, और नीचे हु इज नॉट अ PRI विल बी कंसीडर्ड एज PRY, ये हमने डेफिनेशन के लिए कोट कर दिया। इजी है, इसको भी हम स्टार मार्क नहीं करेंगे, अगर आपको चाहो तो आप आंसर को एक बार पढ़ सकते हो, ये आंसर थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लीजिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ही सेम सवाल आएगा तो हम उसके ऊपर इतना समय नहीं देंगे। अब फॉर्मेट फिक्स है, क्या लिखना है ये भी फिक्स है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार इसको मन में पढ़ लो, जो मार्क करना है कर लीजिए, गो फॉर इट फर्स्ट।
डन। चलो ये होने के बाद में नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाते हैं। अब अगर सिमिलर सवाल आया तो हम उसको आगे बढ़ा लेंगे, सवाल पढ़ के आंसर दे देंगे फटाफट क्या क्या है, आगे बढ़ जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, टॉय लिमिटेड इज अ जापानीज कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट हैज रोबोटिक यूनिट हेडक्वार्टर इन मुंबई। जापानीज कंपनी है टॉय, स्टेटस PRY, सबको ही पता ही है, जिसका मुंबई में अगर कोई यूनिट है, स्टेटस PRI बिकॉज रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। हेडक्वार्टर एट मुंबई कंट्रोल्स द ब्रांच ऑफिस ऑफ रोबोटिक यूनिट मुंबई एंड हैज अ ब्रांच इन सिंगापुर। हेडक्वार्टर्स एट द मुंबई कंट्रोल्स अ ब्रांच ऑफ रोबोटिक यूनिट, ब्रांच मतलब सिंगापुर वाली ब्रांच कंट्रोल करते हैं, तो सिंगापुर ब्रांच का भी स्टेटस क्या हो गया, PRI। ठीक है, व्हाट विल बी रेसिडेंशियल स्टेटस, सेम फॉर्मेट, सेम टाइप का आंसर, ठीक है, सेम टाइप का सजेशन, गेम ओवर, आगे बढ़ते हैं। इसको भी स्टार मार्क नहीं करना है क्योंकि ये सीधे आंसर्स है। ठीक है, एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। NNM लिमिटेड इंडियन कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस, इंडियन कंपनी है, स्टेटस है PRI, रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में, स्टेटस है PRI ऑब्वियसली। इंडिया एस्टेब्लिश अ ब्रांच इन न्यूयॉर्क USA, उसने ब्रांच न्यूयॉर्क USA में डाला, स्टेटस अगेन PRI ही रहेगा। नीचे DDI कंपनी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड इन लंडन, एस्टेब्लिश ये रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन लंडन है DDI, स्टेटस PRY, हैज अ ब्रांच इन कानपुर, स्टेटस PRI। DDI लिमिटेड हैज अ ब्रांच ऑफिस एट सिंगापुर, ब्रांच ऑफिस एट सिंगापुर विच इज कंट्रोल्ड बाय कानपुर ब्रांच, सो सिंगापुर ब्रांच का भी स्टेटस PRI। थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है तो ये सवाल, अब कोई तो एक सवाल हमको आर्टिफिशियल पर्सन का रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको स्टार मार्क करके रखते हैं। ठीक है, कि कोई तो सवाल हमको रिवाइज करना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा ये ठीक लग रहा है, इसलिए हम स्टार मार्क करके रखते हैं। वैसे 5 स्टार मार्क नहीं है, सिर्फ स्टार मार्क है कि आखिरी 24 घंटे में अगर कोई सवाल मुझे आर्टिफिशियल पर्सन का रिवाइज करना रहा तो मैं ये करूंगा। क्लियर है, चलो ये चीज होने के बाद में अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आंसर सेम आएगा पूरा का पूरा, DDI सेम सजेशन। नेक्स्ट, प्रॉम्प्टन इज अ लंडन बेस्ड कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। लंडन बेस्ड कंपनी, स्टेटस PRY, हैविंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बेंगलुरु, PRI, कंट्रोल द हेडक्वार्टर्स इन बेंगलुरु, ठीक है, विच इज कंट्रोल्ड बाय हेडक्वार्टर्स इन बेंगलुरु, साउथ कोरिया वाला ब्रांच है, स्टेटस अगेन PRI, गेम ओवर। रेसिडेंशियल स्टेटस इन फेमा, सेम आंसर, सेम सजेशन, फॉर्मेट भी सेम। क्लियर है, नीचे। हाँ, अब आया इंडिविजुअल वाला। मिस्टर ए रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, वहां थोड़ा सा कटा हुआ है आपके, इसमें पूरा होगा, फॉर लेस देन 183 डेज, फॉर लेस देन 183 डेज है, देख रहे हो कमीनापन, हमें मोर देन 182 चाहिए और यहां बोला है लेस देन 183। अब लेस देन 183 मतलब 183 से कम, तो 182 चलेंगे क्या हमारे लिए, नहीं, क्योंकि हमको 182 से ज्यादा चाहिए, मोर देन 182 चाहिए, 182 भी रहे तो भी PRY हो जाएगा। ही कम टू इंडिया ऑन अप्रैल 1, 2018, ठीक है, 17-18 में लेस देन 183 था, मतलब स्ट्रेट अवे पहला ही मेरा आंसर हो चुका है कि वो PRY है, समझ में आ रहा है। और वो इंडिया में आया 1 अप्रैल 2018 को फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा सवाल पूछेंगे ही नहीं अगर पिछले साल 182 दिन या उससे कम है तो दूसरा सवाल आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला एसिड टेस्ट ही तो कंप्लीट नहीं किया, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐसे 2-3 आंसर दिए हैं ऐसे ही सेम सवाल के जिसके आंसर गलत है, तो प्लीज उसकी क्वेरी अवॉइड कीजिएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐसे 2-3 एग्जांपल है जिसके आंसर गलत है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19, 18-19 के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो बच्चों PRY ही होगा। ठीक है, सो 18-19 के लिए स्टेटस PRY, क्योंकि पिछले साल 182 दिन से कम है। अब इसके अंदर आप आंसर क्या लिखोगे, प्रोविजन में आप PRI की इंडिविजुअल के डेफिनेशन लिखोगे, पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप केस एक्सप्लेन करोगे कि ये जो बंदा था ये भैया बाहर चला गया, ये बाहर ही था एंड लेस देन 183 डेज था, तो ऐसे सिचुएशन में हमें 182 डेज से मोर चाहिए, मोर देन 182 डेज चाहिए और ये नहीं था, तो ऐसे सिचुएशन में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हेंस ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कैन नॉट बी कंसिडर्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, PROI। अगला सवाल सिंपल सवाल था तो स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एक्स हैज अ रेसिडेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 फॉर लेस देन 183 डेज, 183 दिन से कम, सेम सवाल है, सेम। ही हैड केम टू इंडिया ऑन अप्रैल 1, 2017, ही इंटेंड्स टू लीव फॉर बिजनेस ऑन 30 अप्रैल 2018 एंड लीव इंडिया ऑन 30 जून 2018। एक सेकंड, 16-17 में 182 दिन से कम था, 1 अप्रैल 17 को आया,
ही इंटेंड्स टू लीव फॉर इंडिया ऑन अप्रैल 30, 2000. अच्छा, मतलब तीन फिनेंशियल ईयर है, 16-17, 17-18 एंड 18-19. ही इंटेंड्स टू लीव फॉर बिजनेस ऑन अप्रैल 30. ठीक है, मतलब 16-17 में ही वॉज रेसिडेंस लेस देन 183 डेज. 17-18 में 1 अप्रैल को आया वो, मतलब 17-18 पूरा रहा, ही रेसाइडेड फुल. लेकिन 16-17 में उसका 183 डेज से कम था, इस वजह से रेसिडेंशियल स्टेटस ऑटोमेटिक पीआरओआई हो जाएगा 17-18 के लिए. 17-18 के लिए ऑटोमेटिक पीआरओआई हो जाएगा, पर 17-18 में वो पूरा रहा, फिर भी पीआरओआई बन के रहा ना, पर इंडिया में तो रहा. अगर वो पूरा रहा तो अज्यूमिंग रेसिडेंस उसका मोर देन 182 डेज था, तो 18-19 में वो बोल रहे 30 अप्रैल 2018 को लीव्स इंडिया, सॉरी, लीव्स बिजनेस ऑन 30 अप्रैल एंड लीव्स इंडिया ऑन, ही इंटेंड्स टू लीव अ बिजनेस बिजनेस ऑन 30 अप्रैल एंड लीव इंडिया ऑन 30 जून. 30 अप्रैल को बिजनेस बंद करेगा बोले, और 30 जून को इंडिया छोड़ के चला जाएगा. वॉट वुड बी रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 टू अ डेट. अब 17-18 का तो हमने डिसाइड कर लिया कि इट इज पी आर वाई, 18-19 में वी कैन कॉल हिम पी आर आई. लेकिन अगर वो बिजनेस के लिए बाहर जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में उसका स्टेटस पी आर वाई भी हो सकता है, क्योंकि वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो पता नहीं अनसर्टन पीरियड के लिए जा रहा है. अगर वो अनसर्टन पीरियड के लिए जा रहा है या बिजनेस के लिए जा रहा है तो 18-19 में भी स्टेटस पी आर वाई हो सकता है. अगर उसके लिए नहीं जा रहा है तो स्टेटस पी आर आई रहेगा. ठीक है, तो अब ये अजम्पशन बेसिस का आंसर हुआ. मैंने पूरा इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस का डेफिनेशन यहां पे कोट किया. अब मैं जरा आंसर में जाता हूं, देखते हैं. खास अच्छा सवाल था, इसको हम स्टार मार्क कर सकते हैं, तो जरा ध्यान देना. पहले देखो, सब ऐसे सिचुएशन में पूरे फैक्ट्स लिखे, पॉइंट नंबर वन में क्या क्या फैक्ट है. फिर फॉर 17-18 कैनॉट बी कंसिडर्ड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. यहां पे मैंने लिखा था ना, देखो पी आर वाई लिखा था 17-18 के लिए. सो ही कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. ठीक है, फॉर 18-19 ही विल बी रेसिडेंट इन इंडिया एज ही रिसाइड्स इन इंडिया फॉर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर मोर देन 182 डेज. हाउएवर ही वुड सीज टू बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फ्रॉम द डेट हिज डिपार्चर एज ही इज हैविंग अ इंटेंशन टू लीव द बिजनेस, लीव द बिजनेस इन इंडिया एंड लीव इंडिया विच इज इंडिकेट्स इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड. स्टार मार्क. बड़ा प्यारा सवाल था, 3 साल का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है. हमने ऐसा एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था डेफिनेशन के एंड में, याद है सबको. सो ये स्टार मार्क सवाल है, मस्त है. इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आपने इसको रेफर करना चाहिए, 4 स्टार मार्क. क्लियर है सबसे, 3 स्टार जो भी आपको सही लगता है, पर आपने इसको रिवाइज जरूर करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर हम देख के रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है. ठीक है, 10th. मिस्टर जेड हैड रेसिडेंट हैज रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16-17. ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अगस्त 2017. ठीक है, 16-17 में रहा था, कोई दिक्कत नहीं. टू यूनाइट फॉर द पर्पज ऑफ हायर स्टडीज फॉर 3 ईयर्स. अब हायर स्टडीज के लिए गया तो आंसर आपको पता है, 3 ईयर्स के लिए हायर स्टडीज के लिए गया तो आंसर आपको पता है. तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, हायर स्टडीज के लिए अगर बंदा जाता है तो स्टेटस पीआरओआई हो जाता है. हालांकि इसमें प्रीवियस आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से आंसर हो सकता है लिखा हुआ रहे. पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा, सॉरी माय मिस्टेक, क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा. हायर स्टडीज, व्हाट विल बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 भी पूछा है. 3 साल के लिए गया है ना, तो बराबर 18-19 में पूछा, क्योंकि एजुकेशन का हमने देखा ना 2-3 साल के लिए होता है. सो 3 ईयर्स, इट मीन्स दैट ही इज नॉट गोइंग आउट स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, और फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस इन सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट्स इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टन फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. ही वुड भी बोला है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मैं इसको कट करूंगा. हो सकता है आपका जो मॉड्यूल है या आपका जो क्वेश्चनेयर है उसके अंदर ये ऑलरेडी करेक्टेड रहे. ठीक है, सो मिस्टर जेड इज अ पी आर वाई, और यहां ऐसा हो सकता है लिखा हुआ रहे, क्योंकि आपका नोट्स मैं अमेंड करके डालूंगा तो आपके इसमें हो सकता है करेक्टेड रहे. सो पी आर वाई आरबीआई और आईसीएआई के हिसाब से. ठीक है, इसको हम पीआरओआई बोलेंगे बिकॉज हायर स्टडीज के लिए बाहर जा रहा है. फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 ही वुड बी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ऐसा बोला गया है 17-18 के लिए. सॉरी, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 यहां पे चाहिए. ही वुड नॉट बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एज ही डज नॉट रिसाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दैट इज 17-18. ये चीज को हमने अच्छे तरीके से याद रखना है. ठीक है, क्योंकि 17-18 में वो एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है. हाँ, 17-18 में बाहर जा रहा है एजुकेशन के लिए, तो 18-19 में उसका स्टेटस हो जाएगा पी आर वाई. ये चीज को हमने अच्छे से याद रखना है. एक बार सवाल वापस पढ़ ले.
आपके इसमें हो सकता है ये करेक्टेड रहेगा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं भी होगा तो आपने करेक्शन कर लेना, अगर नहीं होगा तो ठीक है, जो जो मैं करेक्शन बोल रहा हूँ वो आपने कर लेना ठीक है। यहाँ आरबीआई इस पर अगर करेक्टेड होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो, क्योंकि मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता कि इसके बाद में अमेंड होकर आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि पीडीएफ में देने हैं और हार्ड कॉपी में भी चेंजेस होंगे नहीं होंगे डोंट नो एक्जैक्टली। सो अगर करेक्टेड नहीं होगा तो कर लो पीआरओआई आरबीआई के हिसाब से, आईसीआई के हिसाब से, और यहाँ 18-19 ईयर करना है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि 17-18 में लेस देन 182 डेज है, क्लियर है? क्योंकि 17-18 में 1 अगस्त को ही वो निकल गया ना, सो मोर देन 182 डेज बाहर रह रहा है, क्लियर है? फिर उसके बाद में 11 सवाल आरटीपी में आया था, मई 15 में भी आया था, मतलब अच्छा सवाल हो सकता है। एग्जाम इन द प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट स्टेट एज टू व्हेन शॉल अ पर्सन रेसिडिंग इन इंडिया शॉल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, फर्दर स्टेट वेदर इन द फॉलोइंग सिचुएशन द पर्सन कंसर्न शॉल इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ये पर्सन कंसर्न पीआरआई में आएगा क्या? मतलब पहले तो पीआरआई की डेफिनेशन लिखनी है, पहले पार्ट के लिए वी विल राइट द डेफिनेशन ठीक है। फिर मिस्टर नवीन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग ईयर, स्टेटस पीआरओआई, बिजनेस के लिए गया था पिछले साल पीआरओआई, तो इस साल भी पीआरओआई ठीक है। सो पीआरओआई फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड करंट फाइनेंशियल ईयर ठीक है। मिस्टर मयूर अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्स एन ऑफिस इन इंडिया ऑफ अ कंपनी, तो इसका स्टेटस पीआरआई आर्टिफिशियल पर्सन के हिसाब से। अब यहां पे तकलीफ ये है, तुमको पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, इंडिविजुअल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, इंडिविजुअल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन ठीक है, तो ही जाके दोनों आंसर होंगे। एडवाइस बोला है तो हम सबसे पहले वही देखेंगे। आप देखो डेफिनेशन पूरी कोट की है, ए बी सी पॉइंट नंबर 1, 2, 3 सब कोट किया है। फिर मिस्टर नवीन वाला आंसर दिया है, फिर मिस्टर मयूर वाला आंसर दिया है। देखो मिस्टर नवीन तो ऐसे सिचुएशन में शॉल नॉट बी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एज पर डेफिनेशन ऑफ PRI, मिस्टर मयूर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्स द ऑफिस कंपनी कॉल्ड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, क्लियर है? ऑफिस को क्या कहा जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है क्वेश्चनर सॉल्व करके, यस नो? आगे 12th क्वेश्चन, मिस आलिया इज एयर होस्टेस विद अ ब्रिटिश एयरवेज, शी फ्लाइज, एयर होस्टेस आ गया, याद है एयर होस्टेस, फ्लाइज फॉर 12 डेज इन अ मंथ एंड देयर आफ्टर इट टेक्स अ ब्रेक ऑफ 18 डेज, ड्यूरिंग द ब्रेक शी इज अकोमोडेटेड बेस ऑफ बेस विच इज नॉर्मली अ सिटी वेयर एयरवेज हेडक्वार्टर्ड, हाउएवर द सिक्योरिटी कंसिडरेशन शी वॉज बेस्ड इन मुंबई, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शी वॉज अकोमोडेटेड एट मुंबई फॉर मोर देन 182 डेज, वॉट वुड बी रेसिडेंशियल स्टेटस। हमने बताया था कि ऐसे सिचुएशन में आपने डेफिनेशन लिखनी है, हालांकि आर्टिफिशियल पर्सन के नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल के डेफिनेशन लिखनी है। मिस आलिया वाले फैक्ट्स आपने एक्सप्लेन करना है, खास सवाल है, स्टार मार्क करके रखना, इसको भी हम रिवाइज करेंगे लास्ट मोमेंट पे। द इशू हियर इज वेदर स्टेइंग कैन बी कंसिडर्ड एज रिसाइडिंग, हमने उसी चीज को दिया, थस मिस आलिया मे हैव स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, इट इज डाउटफुल वेदर शी कैन बी सेड टू बी रेसिडेंट फॉर द पर्पस, फर्दर सेक्शन 2 ही, शुड रेसिडेंट कम्स टू स्टेड इन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इट वुड बी डाउटफुल एंड डिबेटेबल वेदर स्टेइंग इन मुंबई बेस्ड ड्यूरिंग द ब्रेक मिस आलिया कैन बी सेड टू हैव कम टू इंडिया टू स्टे इन इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, मिस आलिया वुड कंटिन्यू टू बी नॉन रेसिडेंट, कंटिन्यू टू बी नॉन रेसिडेंट एज शी वुड कम टू और स्टेज इन इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, स्टार मार्क सवाल अच्छा था ठीक है। देखो ऐसे छोटे छोटे सवाल अपने मार्क करके रखना है, इसको कैसे यूज करना है आई विल टेल यू, डोंट वरी, मैं पूरा एग्जाम तक का आपका पूरा प्लान बना के रखूंगा, जस्ट गो विथ मी ठीक है। जो क्वेश्चनर देख रहे हो उनका नहीं, क्वेश्चनर वालों को सिर्फ, जो सिर्फ क्वेश्चनर देख रहे हो स्टार मार्क करके रखो, ये रेगुलर बैच वालों के लिए, बाकी इंस्ट्रक्शन, सो डोंट वरी। 13, मिस्टर राम हैड रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 फॉर लेस देन 183 डेज, 17-18 में 183 है, मतलब 18-19 पीआरओआई, सिंपल ठीक है। ही अगेन केम टू इंडिया ऑन 1 मई 2018 फॉर हायर स्टडीज, 1 मई 2018 में आया हायर स्टडीज के लिए एंड बिजनेस के लिए, एंड स्टेड अप टू 15 जुलाई, ओके, स्टेट अंडर फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वेदर मिस्टर राम कैन बी कंसिडर्ड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल 18-19, नहीं, पीआरओआई, इज सिटीजनशिप रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग स्टेटस, नहीं, सिटीजनशिप इज रिलेवेंट ठीक है। तो जरा आंसर देखना, आइए पहले हमने इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस की पूरी डेफिनेशन कोट की, वापस से नीचे फैक्ट्स मेंशन किए, राम कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, एज एन इंडिविजुअल हैज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, सिटीजनशिप इज नॉट रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेटस ठीक है। 14th क्वेश्चन,
काम का नहीं था इसके पहले वाला, सो स्टार मार्क नहीं किया। मिस्टर रुचिर रेसाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 170 डेज, 170 डेज बोला इन 1718, मतलब 1819 में पीआर हुआ है, ठीक है, एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 19 एज एन एम्प्लॉय फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वुड योर रेसिडेंशियल स्टेटस, तो स्टेटस पीआर हुआ है। स्किप करते हैं, आप इसका आंसर खुद पढ़ लेना क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल अभी तक हमने देखे हैं। अगला सवाल मई 11 में पूछा गया सवाल है, मिस्टर जो भी है फलना ढकना ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट है, सो ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 1819 मिस्टर भट्टाचार्य रिसाइड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज, ठीक है, वो इंडिया में रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज, 180 दिन के लिए वो इंडिया में रह रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना, 180 दिन 1819 में ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1920 में रेसिडेंशियल स्टेटस पीआर हुआ है, हमको 182 दिन से ज्यादा चाहिए। ऑन 1 अप्रैल 19 भट्टाचार्य केम बैक टू इंडिया फॉर एम्प्लॉय, काई के लिए भी आए, भगवान के भी मिलने के लिए आए, तो भी स्टेटस पीआर हुआ ही रहेगा, सो व्हाट विल बी स्टेटस, सेम सवाल स्किप करते हैं, आंसर पढ़ लेना एक बार, यहां पर लिखा ही होगा, मैं मार्क कर दू। इज नॉन रेसिडेंट 18 कब रहा था वो, 1819 के 1920 में, हाँ 1819 में रहा था, सो 1920 का स्टेटस पूछा है ना, ठीक है चलो। और 1819 का शायद, हाँ ये सवाल में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर भट्टाचार्य ड्यूरिंग 1819, मतलब देखो 1819 में ही बोला है 182 दिन से कम रहा और सवाल 1819 का ही पूछा है, हालांकि हमको ऐसा लगेगा 1920 का पूछा है, तो हम 1920 का भी आंसर लिखेंगे और 1819 का भी आंसर लिखेंगे। अब 1819 के स्टेटस के लिए पिछले साल में कितने साल रहा है, 1718 में, ये थोड़ी ना पता है, देखो 3 ईयर कंसिडरेशन में है, 1718 के बारे में कुछ नहीं बोला है, नथिंग इज रिटन, 1819 में बोला है इज रिसाइडिंग फॉर लेस देन 182 डेज, तो 1920 का स्टेटस हमको पता है जो पीआर हुआ है, उन्होंने स्टेटस कौन सा पूछा है 1819 का, ये कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, लॉलीपॉप दिया है, तो 1819 के लिए हमको 1718 थोड़ी नहीं पता, तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बोलना मुश्किल है, ये ऐसा कमेंट हम यहां पे करके छोड़ देंगे। देखो यहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ 1819 कैन नॉट बी असर्टेन एज ही स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1719 एज अननोन, या अज्यूम कर लो कि भाई 1719 में वो 182 दिन से ज्यादा था और आंसर दे दो, क्लियर है कांसेप्ट। 16th क्वेश्चन, मिस्टर रुचि रिसाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 170, रिपीट हो रहा है सवाल, रिपीट मार्क करके रख दू, ठीक है नेक्स्ट वाला, मिस्टर किशोर रिसाइड इन इंडिया ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 9-10 फॉर लेस देन 182, लेस देन 182 बोला मतलब 10-11 में पीआर हुआ है, समझ में आ रहा है, 10-11 पीआर हुआ है, ही क्लोज डाउन अ बिजनेस ऑन 30 अप्रैल 2011, लेफ्ट इंडिया है, ही केम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर अ बिजनेस, ही क्लोज द बिजनेस ऑन 30 अप्रैल 2011 एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 30 जून। अच्छा ये सिमिलर सवाल है, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया बोला है, पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ये सिमिलर सवाल है ना, हमने अभी देखा था ना 3 साल वाला, याद है कहां गया वो 3 साल, 3 साल अभी हमने देखा, ये देखो ये सवाल जैसा ही है वो, कि भैया 30 अप्रैल को बिजनेस क्लोज किया और 30 जून को निकल लिया, सेम सवाल है, ठीक है सेम सवाल नीचे दिया है, आइए ठीक है, सो देखो देखो इसमें भी 30 अप्रैल को बिजनेस बंद किया, 30 जून को निकल लिया, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, सिर्फ बोला है व्हाट विल बी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ 10-11, 10-11 तो पीआर हुआ है, 11-12 के लिए भी स्टेटस हम पीआर हुआ ही रखेंगे, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, 11-12 के लिए स्टेटस पीआर हुआ ही होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है तो स्टेटस पीआर हुआ ही होना चाहिए, ठीक है चलो ये हो गया सबका, तो इसको भी स्टार मार्क हम नहीं कर रहे हैं। अगला वाला मिस्टर शेखर आरटीपी नवंबर 15 का सवाल है, मिस्टर शेखर रिसाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 150 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2013-14 एंड देयर आफ्टर वेंट अब्रॉड, ही केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल, 150 डेज ही बोला है ना 13-14 में, तो 14-15 का स्टेटस पीआर हुआ है, ऑन 1 अप्रैल फॉर एम्प्लॉय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्किप, स्टेट ऑफ स्टेटस पीआर हुआ है 14-15 के लिए, ठीक है इसको भी खुद पढ़ लेना। अगला सवाल
ये चंडीगढ़ वगैरह कहाँ से है? अच्छा इधर सवाल है, नहीं इधर भी नहीं है, हाँ इधर सवाल है, लेट्स गो। स्टेट इन द लाइट ऑफ द फेमा, कहाँ सवाल इतना बड़ा है क्या? ओके, स्टेट इन द लाइट ऑफ द फेमा 1999 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग कॉरपोरेशन वेदर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। एमकेपी लिमिटेड इंडियन कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में मतलब पी आर आई, हैविंग ब्रांच इन न्यूयॉर्क पी आर वाई, ये तो हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। डब्ल्यू आई पी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड इन लंडन पी आर वाई, हैविंग ब्रांच ऑफिस इन चंडीगढ़ पी आर आई। डब्ल्यू आई पी सिंगापुर ब्रांच विच इज कंट्रोल्ड बाय चंडीगढ़ ब्रांच, सिंगापुर ब्रांच कंट्रोल्ड बाय चंडीगढ़ ब्रांच पी आर आई, ठीक है ये भी हमने कई सारे सॉल्व किए हैं, इसको भी रीड करना। ठीक है लास्ट सवाल आई गेस 19 वाला। एग्जामिन गिवन सिचुएशन इन द लाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव लॉज, टॉय लिमिटेड इज अ जापानीज कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो हमारा हुआ है ना रिपीट, ठीक है टॉय लिमिटेड वाला सवाल तो हुआ है, ठीक है सो ये सवाल रिपीट हुआ है। यहां रेसिडेंशियल स्टेटस और फेमा के डेफिनेशंस के सभी सवाल होते हैं खत्म। एक चीज याद रखना, पूरा क्वेश्चन है अगर आप सॉल्व करते हो तो याद रखना आपका 70 से 80 मार्क का पेपर देखा हुआ आएगा, ठीक है चलो। सो आई गेस कितना समय हुआ है, 1 घंटा 34 मिनट हो गए। सो जो लोग सिर्फ क्वेश्चन आवर का वीडियो देख रहे हैं, आपको अगले पार्ट में फेमा के दूसरे क्वेश्चंस मिलेंगे जो डे बाय डे अपलोड होता जाएगा, और जो रेगुलर लेक्चर्स देख रहे हैं ठीक है वो ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है सो प्लीज गो फॉर दिस, ठीक है तो मैं चाहूंगा गो फॉर दिस।